गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा लास्ट वीडियो में हमने डिवाइड किया था फोर डिजिट का सिंगल डिजिट से, आज हम डिवाइड करेंगे बेटा फोर डिजिट को सिंगल डिजिट से ही, लेकिन साथ साथ उसे चेक भी करेंगे। ठीक है बेटा, देखो चेकिंग का मेथड आपका सेम रहेगा। जैसे आपका फर्स्ट सम है, सेकंड सम का फर्स्ट सम है 7352 बाय 2, इसे 2 से डिवाइड करना है आपने। आप क्या करोगे, सेम वैसे ही बेटा 7352 बिल्कुल खुले खुले डिजिट लिखोगे, 2 से डिवाइड करोगे और साइड में 2 की टेबल बिल्कुल लास्ट में लिख लेते हैं। ऐसे ठीक है, आप 2 से किसको डिवाइड करें, हम 7 को, 7 ढूंढो या 7 से बड़ा ढूंढो। 7 से बड़ा क्या हुआ, 8 हो गया बेटा, एक स्टेप वापस गए, यानी कि 2 3 6 आ गया आपका। आ गया बेटा, आपने माइनस किया 1 बचा और फिर आपने ऊपर से लिया 3। अब इसका मतलब क्या है कि 2 से आपने 13 को डिवाइड करना है, 13 ढूंढो या 13 से बड़ा, 14 13 से बड़ा हो गया, फिर एक स्टेप वापस गए और 6 पे आया आपका, 2 6 12 आपका 1 बचा बेटा। फिर आपने ऊपर से क्या लिया, 5। देखो बेटा मेरी लाइन बिल्कुल सीधी आ रही है, मैं इधर से देखो एक एक स्टेप इधर से इधर जाते रहोगे आप डिवाइड में, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल सीधे चलते हो एक ही लाइन में, नहीं जिस डिजिट में से जो माइनस हो गया था वही किया करो बेटा। आप 2 से 15 को करो, 15 से बड़ा क्या आया बेटा, 16, एक स्टेप वापस हुए, 2 7 14 14, 5 में से 4 माइनस के 1 और ऊपर से आपने अब लिया 2। अब 2 से 12 को डिवाइड करो बेटा, आपको पूरा पूरा मिल गया यहाँ पर 2 6 12 मिला बेटा। आपने ये प्रैक्टिस कल कर ली होगी अच्छी तरह से। अब हमें पता है ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशेंट, ये हमारा डिविडेंड और ये था हमारा डिवाइजर। पता है बेटा इस चीज का डिवाइजर। अब आपको बताया था चेक कैसे करते हैं, चेक का फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, यही फॉर्मूला बताया था। अब आपका क्यू कितना है, 3 6 7 6 दिखाई दिया और डी कितना है, 2, दोनों को मल्टीप्लाई करो बेटा। मल्टीप्लाई किया, अब फिर क्या किया आपने, रिमाइंडर को प्लस करोगे इसमें, प्लस रिमाइंडर कितना आया बेटा, प्लस करो ठीक है। और रिमाइंडर प्लस करने के बाद आपने देखना है क्या ये आपके डिविडेंड के बराबर आया कि नहीं आया। यस, इक्वल आया तो आप इसलिए कहोगे कि यस हमारा डिवाइड का सम ठीक है, बिल्कुल क्लियर है बेटा, क्लियर है। इसी तरह से जैसे आपने पहले किया था, और एक बार और याद दिला देती हूँ, ये आपके मैम हैं बेटा और ये मैम के पार्ट्स हैं। आप इकट्ठे करके जैसे आपको सिखाया था सेम वैसे ही चेक करोगे। पहले तो अपना फॉर्मूला ही बना लो, क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर ठीक है इज इक्वल टू डिविडेंड। तो इसे इस तरह से बेटा आप डिवाइड को चेक भी करोगे सारे सम्स को। और इसी तरह से जैसे आपका सेकेंड सम बेटा देख लो, वो और करवा देती हूँ एक बार। सेकेंड सम बेटा आपका जैसे क्या है, 4325 डिवाइड बाय 6। अब क्या करोगे, 4325 को 6 से डिवाइड करोगे बेटा, 6 से डिवाइड करोगे क्या होगा, 6 पहले 6 की टेबल लिखो यहां पर, ठीक है। अब 6 से 4 को डिवाइड करो, 4 से बड़ा हुआ 6, तो एक स्टेप वापस चले जाओ, 6 0 जा 0 ठीक है बेटा, 43। अब 6 से आप 43 को डिवाइड करो, जहां 43 से बड़ा है, 48 बड़ा हो गया, फिर उससे एक स्टेप वापस गए, 6 7 जा 42 आ गया आपका 1, ऊपर से उतारो बेटा 2। और 6 से 12 को करो बेटा, 12 आपको पूरा पूरा मिल गया,
सिक्स टू जा 12, 0, अब ऊपर से उतारो बेटा 5, ठीक है। अब 6 से 5 को डिवाइड करो, 5 से बड़ा 6, वापस चलो 6 0 जा 0, माइनस करो 5 आ गया बेटा, 5 आ गया। अब देखो ऊपर से उतारने को कुछ नहीं है, तो ये हमारा रिमाइंडर, ये हमारा क्वोशेंट, ये हमारा डिवाइजर और ये हमारा डिविडेंड। क्लियर है बेटा? अब इसे चेक करो कि लिखो डिविडेंड इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई डी प्लस आर। क्यू कितना है आपका 720, डी कितना है आपका 6, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई किया, अब इसमें आर, आर कितना है आपका 5, आर को प्लस करो, आर को प्लस किया 4325। अब देखो क्या ये आपका सेम आया, डिविडेंड के सेम आया, इसे मैच करो यहाँ पे, ये सेम आया। अगर ये सेम आया तो आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। और इस तरह से आपने वर्कशीट 2 का सेकंड सम, देखो उसमें 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं सेकंड सम में, 2 पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, 4 पार्ट्स आपने करने हैं बेटा। और समझ समझ के अच्छी तरह से आप वर्कशीट 2 का सेकंड सम कंप्लीट करोगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।